नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। गुवाहाटी से लेकर महाराष्ट्र तक की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। लगातार ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां पर संजय राउत ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके साफ तौर पर कहा कि देखिए, जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि विधानसभा भंग होने की तरफ इशारा किया जा रहा है। एक बार आपको बताते हैं संजय राउत की तरफ से क्या कुछ ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा, जो सियासी हालात बने हुए, जो ताजा सियासी हालात है, वो विधानसभा भंग करने की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ समझिए, गुवाहाटी में एक बड़ी बैठक चल रही है। एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। शरद पवार अब से कुछ ही देर बाद मुंबई जब पहुंचेंगे तो वो उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। शाम 5 बजे उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम विधायकों को बुलाया गया है, सांसदों को बुलाया गया है। हालांकि उससे पहले लगातार शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत करें, लेकिन इन सब के बीच में संजय राउत की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि देखिए, जिस तरफ सियासी ताजा हालात जो इशारा कर रहे हैं, वो इस बात के लिए इशारा कर रहे हैं कि विधानसभा भंग होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप ये समझिए, संजय राउत की तरफ से जब इस तरीके का ट्वीट किया जा रहा है, तो अपने आप में कितनी बड़ी बातचीत हो जाती है। और एक बार फिर से देखिए, हम आपको संजय राउत का ट्वीट दिखा रहे हैं। एक बार आसान भाषा में समझाते हैं क्या कुछ उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जो ताजा सियासी हालात बन रहा है, हालांकि मराठी में उन्होंने ट्वीट किया, उसको हिंदी में आपको समझा रहे हैं। उन्होंने कहा, जो ताजा सियासी हालात हैं, वो विधानसभा भंग करने की तरफ जा रहे हैं। यानी कि संजय राउत जो सबसे करीबी माने जाते हैं उद्धव ठाकरे के, उन्हें वो कितना मानते हैं, वो हमने हमेशा देखा है महाराष्ट्र की सियासत में। लेकिन ऐसे में संजय राउत की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सियासी हालात जो बन रहे हैं, जो सियासी घटनाक्रम बन रहा है महाराष्ट्र का, वो विधानसभा भंग की तरफ बन रहा है। यानी कि जो एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो 40 विधायकों को अपने साथ ले चुके हैं, जो उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है, वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि विधानसभा भंग होने जा रहे हैं। लगातार ग्राउंड पर हमारे सहयोगी मौजूद है। गुवाहाटी से लेकर महाराष्ट्र तक की एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ आशिका सिंह गुवाहाटी से मौजूद है, विवेक गुप्ता हमारे साथ मंत्रालय से मौजूद है, और अरुण सिंह सीएम आवास से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अरुण सिंह का रुख कर लेते हैं। अरुण सिंह, हमने देखा है कि संजय राउत कितने करीबी कहे जाते हैं उद्धव ठाकरे के, और जब अब उनकी तरफ से इस तरीके का ट्वीट किया जाएगा तो कई तरीके की बातें निकलकर सामने आएंगी। अरुण, देखिए, तीन विकल्पों पर महाविकास अघाड़ी में चर्चा हुई है। ज्यादातर जो विधायक हैं और जो नेता हैं, वो इस विकल्प पर सहमत हैं कि विधानसभा में अब बहुमत साबित करना चाहिए सरकार को। विधानसभा में बहुमत साबित करने से होगा ये कि आप सारे विधायकों को व्हिप जारी कर सकते हैं, और शिवसेना के सिर्फ 33 विधायक शिंदे के साथ हैं, यानी जो 2/3 बहुमत के लिए आंकड़ा 37 होता, उससे 4 कम है, और इस तरह से 33 को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, उसके बाद ये मामला डिप्टी स्पीकर के पास जाएगा या अदालत जा सकता है। इसमें टाइम लगेगा, इतने जल्दी फैसले नहीं हुआ करते, तो कुछ दिन सरकार को और मोहलत मिल जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह का कदम उठाने से अच्छा यह है कि विक्टिम कार्ड खेला जाए, खुद को शहीद दिखाया जाए कि हमारे ही लोग टूट गए, और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी जाए, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें। लेकिन इसके बीच एक जो वरिष्ठ नेता है, शरद पवार जैसे नेता है, वो ये कह रहे हैं सेना से कि आप अभी भी कोशिश करो, अगर शिंदे मान जाते हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो उनको बनाइए उप मुख्यमंत्री, क्योंकि सरकार बचाना जरूरी है। एक लार्जर इंटरेस्ट की बात शरद पवार कर रहे हैं, केंद्र की राजनीति और राज्य की राजनीति को लेकर। तो कई मत हैं, तीन विकल्प हैं। पहला ये कि बहुमत साबित करे अघाड़ी सरकार, जो विधायक गए हैं व्हिप का उल्लंघन करते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करे। अरुण, हम ये देख भी रहे हैं, गुवाहाटी से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम दावपेच लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से जो है एक बार फिर से, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि वो जो है अल्पमत में सरकार को ला सके, आखिर बहुमत में सरकार किस तरीके से, कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुवाहाटी से लेकर महाराष्ट्र तक बैठकों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और देखिए, कैबिनेट की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 5 बजे जो है सांसदों और विधायकों की एक बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, और साफ तौर पर कहा गया कि सभी को बैठक में जो है आना होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधायकों सांसदों को सीएम आवास बुलाया गया है। तस्वीर भी आपको सीएम आवास की दिखा देते हैं। इसी सीएम आवास पर अब से कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे जो है बैठक बुलाई गई है, शुरू हो जाएगी, और सीएम उद्धव ठाकरे ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। लेकिन एक और बैठक आपको बता दें, एक तरफ 5 बजे बैठक होनी है, उससे पहले 1 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होनी है, जिसमें उद्धव ठाकरे जो है कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो एक एक खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन देखिए बैठकों का सिलसिला किस तरीके से लगातार जारी है। 3 बैठक इस वक्त चल रही है। एकनाथ शिंदे जो है एक तरफ बैठक कर रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद 1 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जैसा अरुण जानकारी भी दे रहे हैं। और सीधे लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, मंत्रालय से
हमारे साथ विवेक गुप्ता लगातार बने हुए हैं। विवेक, कई बैठकों का दौर जारी है, जिस तरीके से संजय राउत की तरफ से ट्वीट किया गया, अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है उद्धव ठाकरे के सामने कि आखिर व्हिप जारी करें विधायकों को या नहीं करें, क्योंकि पता नहीं है कि कौन आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल सही अनुभव आपने देखे, जिस तरीके से संजय राउत ने ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो हालात महाराष्ट्र की राजनीति में बन रहे हैं उसे ऐसा लग रहा है कि विधानसभा को भंग करना पड़ेगा। लेकिन अब सबकी नजरें जो है वो 1 बजे जो मंत्रालय में कैबिनेट मीटिंग होनी है उसके ऊपर है, क्योंकि आधे से ज्यादा कैबिनेट मंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है जो इस समय गुवाहाटी में है। 6 कैबिनेट मंत्री जो है वो इस समय गुवाहाटी में है। अब बचे हुए कैबिनेट मंत्री इस कैबिनेट मीटिंग में आते हैं नहीं आते हैं ये काफी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे आज 1 बजे के आसपास मुंबई के मंत्रालय में आएंगे और 1 बजे कैबिनेट मीटिंग में सभी मंत्रियों से बातचीत करेंगे और ये माना जा रहा है कि इस पूरे मीटिंग में उद्धव ठाकरे हो सकता है कोई बड़ा कदम उठा लें। ये बड़ा कदम क्या होगा अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहे हैं जिस तरीके से संजय राउत ने ट्वीट किया और जिस तरीके से कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है उससे कहने की इंडिकेशन जरूर मिल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे आज अपनी कैबिनेट मीटिंग में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। अनुपमा, बिल्कुल विवेक, और यही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब आज कैबिनेट की बैठक होगी तो आखिर क्या कोई बड़ा फैसला लिया जाता है, और जब आज शाम 5 बजे बैठक होगी उससे पहले शरद पवार से मुलाकात होगी, क्या कुछ होगा। आज बहुत कुछ होने वाला है महाराष्ट्र की सियासत में। लेकिन देखिए, एक तरफ एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर लगातार जारी है, दूसरी तरफ संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को लेकर साफ तौर पर कहा कि देखिए हमारी उनसे बातचीत चल रही है, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, बड़ी बातें सुनाते हैं आपको, सुनिए। हम संघर्ष करते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है सर। लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। तो सुन रहे थे आप संजय राउत को, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देखिए पार्टी से ऊपर जो है कुछ भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हमारी सत्ता चली जाएगी। सीधे लिए चलते हैं गुवाहाटी, जहां पर आशिका हमारे साथ मौजूद है, उसी होटल के बाहर जहां पर एकनाथ शिंदे और वो तमाम विधायक जो है वो मौजूद है। आशिका, जरा वहां की ताजा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर किस तरीके की हलचल है अभी। बिल्कुल अम्बा, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ भी एक के बाद एक बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ कैबिनेट बैठक उद्धव ठाकरे की, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का ये जो शक्ति प्रदर्शन है इसको कहा जा सकता है, और यहाँ भी आगे की रणनीति क्या है इस पर लगातार चर्चा हो रही है और बैठकों का दौर चल रहा है, और भी कई विधायक जो हैं उन्हें साधने की कोशिश की जा रही है। तो धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे देखिए, एक बस जो है वो एयरपोर्ट की, जिस बस में ये विधायक आए थे वापस होटल की तरफ रुक करते हुए, वापस होटल में घुसते हुए तस्वीर ये फिलहाल नज़र आ रही है। आगे क्या कदम होता है ये देखने की बात है, क्योंकि बैठक तो चल रही है लेकिन निर्णय क्या होगा, यहाँ पर और विधायक आएंगे महाराष्ट्र से या फिर यहाँ से आगे कहीं जाएंगे एकनाथ शिंदे। बिल्कुल आशिका, बने रहिए आप हमारे साथ, वहां की तस्वीरें दिखाते रहिएगा, क्योंकि आज सबकी निगाहें जो है महाराष्ट्र और गुवाहाटी पर ही टिकी हुई है कि आखिर वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्या उस होटल से एकनाथ शिंदे बाहर निकलेंगे, क्योंकि जैसे कहा जा रहा था। लेकिन इसी बीच अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, 3 तस्वीरों के जरिए समझाते हैं कि आखिर कहां कौन सी बैठक चल रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है। देखिए, अघाड़ी सरकार पर आए संकट के बीच सियासी दल जो है वो लगातार जोड़ तोड़ कर रहे हैं। एनसीपी नेता शरद पवार के घर सुबह से बैठकों का दौर चल रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें सुप्रिया सूले के साथ साथ जयंत पाटिल, दिलीप वालसे शामिल हुए। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ जो है वो मुंबई में पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक कर रहे हैं। और तीसरी तरफ जहां हम मौजूद है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों के साथ एक 5 बजे बैठक बुलाई है, जिसमें कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। उससे पहले एक कैबिनेट की बैठक होनी है, कैबिनेट की बैठक में कहा जा रहा है बड़ा फैसला हो सकता है, जैसा अरुण सिंह लगातार बता भी रहे थे कि देखिए कोई बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन इसी बीच देखिए लगातार नेता जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं। आपने सुना संजय राउत को साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि देखिए पार्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है, ज्यादा क्या होगा कि हमारी सरकार चली जाएगी। लेकिन अब आपको सुनाते हैं कि कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए। मैं देखता हूँ ये जो सौदे की राजनीति है जिसका देश में आज उपयोग किया जा रहा है, झारखंड में देखें, मध्य प्रदेश का उदाहरण आप जानते हैं, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के विपरीत है। और ये राजनीति की शुरुआत आगे के लिए बहुत खतरे की बात है। हमें शिवसेना को अपने आप तय करना है, वो अपने विधायकों से कैसे बात करेंगे। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस में पूरी एकता है,
कांग्रेस के विधायक बिकाऊ नहीं है, कांग्रेस के विधायक सब टिके रहेंगे। पीछे बहुत जगह है। तो कमलनाथ को सुना आपने, संजय राउत को सुना, लेकिन इन सब के बीच में एक एक अपडेट आपको बता रहा हूँ। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जहाँ पर सियासी उठापटक लगातार जारी है, और इसी बीच आदित्य ठाकरे ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से अपने मंत्रालय का जो नाम था वो हटा दिया, यानी कि प्रोफाइल से आपको बताया कि ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री का पोस्ट जो है वो हटा दिया। आपको देखिए उस वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दरअसल ये उनका ट्विटर प्रोफाइल है जिसपे पहले उनका मंत्री पद का नाम लिखा हुआ था, लेकिन मंत्री पद की जो डेजिग्नेशन थी वो लिखी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने उस पोस्ट को हटा दिया है। आदित्य ठाकरे के पास पर्यावरण और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अब आप ऐसे में समझिए, आदित्य ठाकरे के पास जो पर्यावरण और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी जिनके पास है, जो पर्यटन मंत्री है, लेकिन अब उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट से जो है उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन हटा दी है। एक तरह संजय राउत साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि देखिए जिस तरफ अभी फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में, सियासी हलचल जो मची हुई है वो इस बात की तरफ अंदेशा दे रही है कि विधानसभा भंग होने जा रही है, यानी कि अंदेशा जो है अंदेशा सबको लग रहा है। सीधे लिए चलते ग्राउंड जीरो पर, हमारे साथ विवेक लगातार बने हुए, अरुण सिंह हमारे साथ बने हुए। अरुण, इस बात के कई मायने अपने आप में हो जाते हैं कि अगर आदित्य ठाकरे की तरफ से अपनी डेजिग्नेशन हटा दी जाए, दूसरी तरफ संजय राउत भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। देखिए संजय राउत ने इशारा किया है कि अब सरकार उनके हाथ से निकल चुकी है। संजय राउत की अगर बात करें, जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, जिस तरह के पोस्टर छप रहे हैं, उससे साफ है कि एकनाथ शिंदे उनकी सरकार को अल्पमत में ले आए हैं, उनकी सरकार अब बच नहीं सकती, ये शिवसेना को पता चल गया। हालांकि जो पॉलिटिकल गिमिक होता है, एक जो 33 विधायकों वाली बात कही जा रही है कि 37 उनके पास नहीं है, शिंदे के पास, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई करा सकते हैं, ये सब बातें हैं, क्योंकि तब राज्यपाल के पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है और राज्यपाल हो सकता है नई सरकार को बनाने के लिए बहुमत साबित करने के लिए वक्त दे दें, और अगर बहुमत साबित करने के लिए वक्त दे देते हैं तो ये सब मामले कोर्ट में चलते रहते हैं। एक बड़ी बात दूसरी, अगर आप मेरे पीछे गाड़ियों का जो काफिला है, मैं कोशिश करता हूं मैं आपको इस बीच दिखाने की, चूंकि उद्धव ठाकरे का ये घर है और उद्धव ठाकरे वर्षा में ही है, अभी कैबिनेट की बैठक के लिए नहीं निकले हैं, तो क्या उसके पहले कोई बैठक है? शरद पवार तो अपनी बैठक ले रहे हैं, कमलनाथ के यहाँ आने की बात है, लेकिन ये कमलनाथ नहीं आए थे। जो मैं बात आपसे कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि उद्धव ठाकरे जिस तरह के मूड में है, जिस तरह की बात उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और जिस तरह से इस खेमे में निराशा है, उससे साफ लगता है कि सरकार उनके हाथ से निकल गई है, और ये बात उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अब कैबिनेट की बैठक में, वरिष्ठ नेताओं की बैठक में, या तो वो इस्तीफा दें और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करें, या फिर बहुमत साबित करने के लिए जाएं और उनके विधायकों को डिस्क्वालीफाई करा करके और एक समय बाई करने की कोशिश करें, क्योंकि शिंदे किसी भी कीमत पर लगता नहीं कि वापस अब लौटने वाले हैं शिवसेना के साथ, इतनी तल्खी इतनी दूरी बढ़ चुकी है। और यही वजह है कि देखिए महाराष्ट्र की आग जो है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि सिर्फ बैठकें जो है वो यहाँ नहीं चल रही है, दिल्ली में भी चल रही है। कल हमने देखा था क्या कैसे दिल्ली में भी बैठकों का दौर चला, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले आशीष सेलार पहुंचे हैं। बड़े नेता हैं आशीष सेलार महाराष्ट्र के, और वो जो है देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी विधायकों को मुंबई बुलाया गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी तक जो है किसी को फोन कॉल नहीं किया था, लेकिन अब आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो 106 विधायक हैं, अब उन्हें जो है मुंबई बुलाया गया है। महाराष्ट्र की सियासत पर ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस जो है वो केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में है। सीधे लिए चलते हैं आपको यतेंद्र के पास, जो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए बिल्कुल अनुपमा, जो आप कह रही हैं कि आशीष सेलार देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंच गए, तो आपको बता दूं वो कल रात से वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं, और आशीष उन नेताओं में से एक है जो इस पूरी योजनाओं को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी की स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है चित्रा बाघ जी। चित्रा जी, संजय राउत का बयान विधानसभा भंग की जा सकती है, तो क्या लगता है कि वो जो फॉर्मूला आप बना रहे हैं वो पहले ही फेल हो सकता है अगर ये विधानसभा भंग होगी तो? नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त की और, तो ये रास्ता बनाने का काम और इस सरकार को इस दिशा पे लाने का काम जो है वो संजय राउत इन्होंने ही किया हुआ है, और उसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो सरकार है वो स्टेबल नहीं है, और जिस प्रकार से घटनाएं लगातार हो रही है वो आपके माध्यम से पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश देख रहा है। यानी कि जो आपका जो ऑपरेशन कमल चल रहा है वो सही दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता। आपने देखा इसमें ऑपरेशन कमल जैसा कोई बात है ही नहीं। आपने देखा कि जो MLA है, जो विधायक है, उनका जो असंतोष था
वो सामने आया है कि किस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया गया और गए 2-2.5 साल में जो जो हुआ है वो सारी बातें उन विधायकों ने वहां पे सामने लाई है। अब पता नहीं क्यों यहाँ पे जानबूझ के बीजेपी का नाम घुसेड़ा जा रहा है, जबकि वो अपने MLA नहीं संभाल पाए। ये जो विधायक थे वो शिवसेना के थे, और शिवसेना के विधायक जो आज कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्हें जो तकलीफ हुई और ये 2-2.5 साल से चल रहा था लगातार, और आज उसका उद्रेक हुआ और वो बाहर निकले, तो इसमें बीजेपी का तो कोई रोल है नहीं। बीजेपी का रोल है, सूरत में बीजेपी ने उनको सुरक्षा दी, अब गुवाहाटी ले गए, वहां भी आपकी सरकार है, वहां आपके मुख्यमंत्री उनसे मिलने पहुंचे। कि 25 साल सेना और बीजेपी का गठबंधन था, तो दोस्ती तो मतलब ये दोनों पार्टियों में जो ये नेता है उनमें थी, और उन्होंने मदद मांगी होगी तो यहाँ पे दी होगी, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अभी भी जो आंकड़ा है वो 33 तक पहुंचा है, 37 चाहिए, वो 4 विधायक अभी भी कम है, तो कैसे अलग गुट बनेगा, कैसे आप जो ऑपरेशन कमल की जो तैयारी चल रही है वो कैसे अंजाम तक पहुंचेगा? नहीं, मुझे आप जो कह रहे हैं ऑपरेशन कमल, इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जो बातें विधायकों के कहने से जो सामने आ रही है उसमें से उन्होंने कहा कि हमारे पास जो आंकड़ा है वो 50 तक जाने की आशंकाएं हैं, कुछ लोग और ऑन दी वे है, रास्ते में है, आने वाले हैं, ऐसे उनका कहना है, तो देखते हैं क्या होता है शाम तक। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये भी आ रहा है चित्रा जी कि अगर चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन इस पूरे मामले में टेक्निकलिटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, महाराष्ट्र की राजनीति को आप बहुत करीब से कई बार जो है देख चुके हैं, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता है उन्हें अब मुंबई बुलाया गया है, इसके क्या मायने निकाले जाए कि जिसका डर संजय राउत को है वो होने जा रहा है? बीजेपी के सूत्रों के हवाले से मैं यही कह सकता हूं कि जो बार बार शिवसेना के नेताओं की तरफ से बात आ रही थी कि विधानसभा बर्खास्त होगी, विधानसभा बंद करने की बात वो कर रहे थे, उसको नकारते हुए बीजेपी के सूत्रों ने बताया है कि राज्य सरकार स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करने का कोई आदेश नहीं दे सकती, उनके कहने से नहीं होने वाला, ये केवल राज्य सरकार जो होती है, जिस जो मुख्यमंत्री होता है केवल डिसॉल्यूशन को रिकमेंड कर सकता है। अगर ये पूरी की पूरी जो शक्ति है, पूरी ताकत है, वो गवर्नर के हाथ में होती है, गवर्नर पूरे सिचुएशन को असेस करेंगे और स्थिति को के जांच परख करने के बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि सरकार वैकल्पिक सरकार बन रही है या फिर चुनाव में जाना है, ये गवर्नर का फैसला लेना है। इसलिए जो भी शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि असेंबली भंग होगी, ये यथार्थ से परे है। बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, दर्शकों को ये समझाने के लिए कि आखिर इस पूरे मामले पर किस तरीके से विधानसभा भंग की जा सकती है या फिर सरकार दोबारा बनाई जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन किसी भी एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जो है वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बैठक में कमलनाथ भी शामिल है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। बाबा साहेब थोराट के घर पर ये बैठक चल रही है, बैठक